वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को यूटिलाइज करके अगर हम नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो मेथड होते हैं, एक तो ये नेचुरली होता है और दूसरा आर्टिफिशियली होता है। तो उसमें फर्स्ट देखते हैं हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दीज आर द मेथड्स ऑफ प्लांट मल्टीप्लिकेशन ऑकरिंग नेचुरली इन विच अ सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट डिटैचेस फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। इसमें क्या होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसमें नेचुरली उसका जो सोमैटिक पार्ट होता है, सोमैटिक पार्ट्स मतलब रूट, स्टेम या लीव्स, वो नेचुरली मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट प्लांट अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अप्रोप्रिएट होती है, सुटेबल होती है, तो वो जो डिटैचेबल पोर्सन होता है वो ग्रो करता है और ग्रो करके नए प्लांट का, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। And the detachable somatic part that is utilized in vegetative propagation is known as vegetative propagules। और वो जो detachable portion होता है, root हो गया, stem हो गया या leaves हो गया, उस detachable portion को vegetative propagules कहते हैं। तो इसमें root है, stem है, leaves है, tubers, corms, rhizome, aerial shoots, इन ये सारे vegetative propagules consider किए जा सकते हैं। तो normally there are various method of vegetative reproduction, some of them are as follows। इसमें से कुछ देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट है इसमें roots, roots का utilization करके कैसे हम नए plant को grow करा सकते हैं। तो roots में सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एडवेंटिशियस बड्स होती है। नॉर्मली रूट्स में ऐसे रूट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज़ किए जाते हैं विच हैव एडवेंटिशियस बड्स। अगर रूट्स में एडवेंटिशियस बड्स एब्सेंट होते हैं तो दैट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो उसका हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो एडवेंटिशियस बड्स का मतलब होता है कि इसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कि ए बर्ड ग्रोस फ्रॉम अ पोजीशन अदर देन द नॉर्मल। अगर रूट्स में नॉर्मल पोजीशन के अलावा किसी दूसरी पोजीशन से, लैटरल साइड से अगर कोई बर्ड ग्रो करता है दैट इज़ कॉल्ड एडवेंटिशियस बड्स, तो उसको हम एडवेंटिशियस बर्ड्स कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर रूट्स में एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो डैट इज़ यूटिलाइज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो वो आसानी से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके और नए इंडिविजुअल प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिलता है साइडियम और स्वीट पोटैटो। साइडियम और स्वीट पोटैटो जो होते हैं इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद सेकेंड जो है उसमें हम यूटिलाइजेशन करते हैं बाई अंडरग्राउंड स्टेम, ऑल्सो नोन एज राइजोम। जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसको हम राइजोम भी कंसीडर करते हैं। तो इसी में राइजोम, तो राइजोम जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो होता है वो होता है बनाना और टर्मरिक। बनाना में या टर्मरिक का जो प्लांट होता है उसमें हम राइजोम का यूटिलाइजेशन करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्म होता है, कॉर्म का सबसे कॉमन एग्जांपल हो जाएगा कोलोकेशिया। ट्यूबर्स होता है, ट्यूबर का सबसे कॉमन एग्जांपल हो जाएगा आपका पोटैटो। इसके अलावा बल्ब है, तो बल्ब में गार्लिक या ओनियन है। तो बल्ब का मतलब ये होता है कि बल्ब जो होता है अ शॉर्ट स्टेम होता है। बल्ब को कंसीडर कर सकते हैं कि इट इज़ अ शॉर्ट स्टेम विथ फ्लैसी लीव्स। ये स्टेम का एक मॉडिफिकेशन होता है जो शॉर्ट स्टेम होता है और उसमें फ्लैसी लीव्स, जैसे गार्लिक ओनियन आपने देखा होगा कि उसमें बल्ब लाइक अपीयरेंस उसका होता है और उसमें फ्लैसी लीव्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो उसको बल्ब लाइक अपीयरेंस देता है। तो ये बल्ब जो होता है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है गार्लिक और ओनियन में। इसके अलावा ब्राई क्रीपिंग स्टेम, ऑल्सो नोन एज रनर्स, तो इसको यूटिलाइज करके भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इसका है ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी लीव्स है। कुछ प्लांट्स ऐसी होती हैं जिनके लीव्स की मार्जिन्स पे बड्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर वो बड्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उस लीव्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ब्रायोफिलम और बिगोनिया। तो ब्रायोफिलम और बिगोनिया ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम
वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कर सकते हैं। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उसी वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ हम कर सकते हैं जिन वेजिटेटिव पार्ट्स में बड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वही बड्स जो होते हैं वो नए इंडिविजुअल या नए प्लांट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब वेरियस मेथड्स थे, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जैसे कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया या ग्राफ्टिंग हो गया। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग जो होती है ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो कटिंग है। कटिंग भी 3 तरह का होता है, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग और लीव्स कटिंग। तो इसमें भी कंडीशन सेम वही होती है कि अगर रूट कटिंग की बात करें तो इसमें रूट्स को कट करके और कटिंग पीस में नोड्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि नोड्स वो रीज़न होता है किसी भी रूट या किसी भी स्टेम का जहाँ पे मेस्टमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। और मेस्टमेटिक टिश्यू आपने पढ़ा होगा पहले भी कि मेस्टमेटिक टिश्यू जो होते हैं अ ग्रुप ऑफ सच टाइप ऑफ सेल विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। मेस्टमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है, एंड द डिवाइडिंग सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ एन प्लांट। प्लांट के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में अगर मेस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं तो वो उस प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रूट कटिंग जो होता है कैन बी सीन इन लेमन एंड टैमरिंड। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपको मिलेगा लेमन और टैमरिंड में। इसके अलावा जो स्टेम कटिंग है, स्टेम कटिंग मिलता है चाइना रोज और कॉमनली रोज। आपने शायद इसको यूज़ भी किया होगा कि रोज़ का जो जनरली प्लांट होता है उसके स्टेम को कट करके लगाते हैं, चाइना रोज़ को भी ऐसे ही लगाया जाता है। लीव्स, ये शायद बहुत रेयर देखने को मिलता है कि लीव्स जो होता है कि उसको ट्रांसवर्सली हम 2 या 3 पार्ट में कट कर लेते हैं और उसके जो कटिंग पोर्शन होता है उसको वर्टिकली सॉइल में बरीड करते हैं। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपको मिलता है स्नेक प्लांट। सेंसिवियेरिया, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है दैट इज कॉल्ड सेंसिवियेरिया। तो स्नेक प्लांट में जनरली लीव्स कटिंग होती है। कटिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट जो आर्टिफिशियल मेथड है दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। लेयरिंग को रूटिंग कटिंग मेथड भी कहा जाता है। रूटिंग कटिंग मेथड का मतलब ये होता है कि इसमें जनरली अगर कोई प्लांट्स है तो उस प्लांट की सॉफ्ट स्टेम, सॉफ्ट ब्रांचेज जो होती हैं उसमें वी शेप्ड को ऑब्लिकली, उसमें वी शेप्ड का एक इंसीजन लगाते हैं, वी शेप्ड। उसके उसकी जो ऐसे मतलब डेलिकेट ब्रांचेज होती है उस डेलिकेट ब्रांचेज को हम वी शेप्ड में ऐसे कर लेते हैं जैसा फिगर में दिख रहा है और फिर उसको सॉइल के अंदर बरीड कर देते हैं। तो आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टफ्स ऑफ फ्रूट अराइजेस फ्रॉम दिस पोर्शन। तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद ये जो वी शेप्ड का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उससे टफ्ट ऑफ फ्रूट्स अराइज हो जाते हैं, और जैसे ही टफ्ट ऑफ रूट्स अराइज होते हैं देन इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मेन प्लांट। फिर इसको मेन प्लांट से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद ये इंडिविजुअल एक न्यू प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो करता है। तो इस प्रोसेस को लेयरिंग कहते हैं। तो लेयरिंग का जनरल एग्जाम्पल है जैस्मीन। जैस्मीन का जो प्लांट्स होता है उसमें हम कॉमनली लेयरिंग को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट पार्ट है, लास्ट है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि ग्राफ्टिंग में 2 तरह के प्लांट्स लेते हैं, हालांकि प्लांट्स की स्पीसीज एक ही होती है, वैरायटी 2 होती है, एक ही स्पीसीज के 2 वैरायटी के प्लांट्स को लेके एक का रूटेड पोर्शन